हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसिस गाइड, मनोज आपके साथ। देखिए, बहुत से ब्रेसिस के पेशेंट हैं जो नए हैं, मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं और वो ये है, क्या सर हमको रिटेनर्स पहनना है ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि उनके ऑर्थोडोंटिस्ट ने ये बोल रखा है कि आपको ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर्स नहीं पहनना है। तो इसका जवाब क्या है, देखिए ब्रेसिस ट्रीटमेंट का काम क्या होता है। देखिए ब्रेसिस ट्रीटमेंट क्या करता है, आपके जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, दांतों के बीच में स्पेस है, ठीक है, क्रूक्ड टीथ है, आगे पीछे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक दांत चढ़ा है, इनको सीधा कर देता है। ठीक है, आपके पहले एक्सट्रैक्शन होंगे चार, उसके बाद ठीक है आपके जो दांत हैं उनको अलाइन करना, ठीक है, एक प्रॉपर जो स्पेस होती है प्रॉपर डायरेक्शन में सीधा करने का जो काम होता है वो होता है आपका ब्रेसिस का। ठीक है, ब्रेसिस ने क्या किया, आपके दांतों को अलाइन कर दिया, जो पोजीशन में होने चाहिए उस पोजीशन में आपके दांतों को कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये नेक्स्ट स्टेज होती है, वो होता है आपका रिटेनर्स। रिटेनर्स क्या करता है, दांतों को जो नई पोजीशन ब्रेसिस ट्रीटमेंट से आपको मिली है उस नई पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखता है। ठीक है, अगर आप रिटेनर्स नहीं पहनेंगे तो भले आपका ट्रीटमेंट एक साल चलाओ, दो साल चलाओ, नेक्स्ट 6 महीने के अंदर आपके जो दांत है उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे जैसे कि पहले थे। तो जितनी भी आपने सेक्रीफाइस की थी, एक साल दो साल, वो सारी की सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, साथ ही साथ जो आपका पैसा था वो भी पूरा तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेज होती है, वो रिटेनर्स की होती है। तो कई तरह के रिटेनर्स आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, आपका हॉले आएगा, ठीक है, और आपका फिक्स वाला आएगा। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो फिक्स वाला है, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना होगा, इसमें थोड़ी सी केयर करनी होती है, कहीं बोटनिंग छूट ना जाए। ठीक है, तो रिटेनर्स क्या करेगा, जो दांतों की नई पोजीशन है उस नई पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखेगा, और ये रिटेनर्स आपको 2 साल तक पहननी है। ठीक है, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं जो पेशेंट है जो नए हैं कि हमको रिटेनर्स कब तक पहनना है, तो 2 साल तक 24/7 आपको इसको पहनना है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फिक्स वाला आप लगवाइए, उसमें निकालने पहनने का झंझट नहीं है जैसे कि हॉले में होता है। ठीक है, तो फिक्स वाला आप लगवा लीजिए। ठीक है, 2 साल तक लगा रहेगा, बस उसकी आपको केयर करनी है, कुछ हार्ड फूड नहीं खाना है जिससे उसकी बॉन्डिंग छूट जाए जो दांतों के पीछे से लगा रहता है, और 3रे साल अगर वो छूट भी जाता है, ठीक है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने हॉले वाला चूज़ कर रखा है तो 2 साल आपको 24/7 पहनना है, और 3रे साल आपको सिर्फ रात को उसको पहनना है। ठीक है, उसके बाद 4थे साल से आप पूरी तरह से इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस जो रूल है, ठीक है, इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो जो आपके दांत हैं वो अपनी डायरेक्शन में बने रहेंगे। ठीक है, ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बाद उसके बाद आपके दांत शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जहां तक बात रिटेनर्स पहनने की है तो इसको आपको ज़रूर पहनना है, नहीं पहनेंगे तो आपको जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।